students, good morning to all of you and welcome back. Myself Amit Jala from Marsapura school. Today in this video I will continue subject SPCC of standard 11, chapter number 2, company secretary. Dear students, aaj hum chapter number 2 ki shuruaat karenge, company secretary. Aaj ka hamara question hai qualities and qualifications of secretary. Chapter number 1 के अंदर हमने secretary के बारे में discuss किया था, secretary कैसा होना चाहिए, types of secretary भी हमने discuss किया था. आज हम इस question के अंदर secretary के qualities देखेंगे सबसे पहले. Secretary के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. सबसे first आपको दिया गया है good health. Secretary जो है one type of जो है chief administrative head है और उसे बहुत सारे डिफरेंट वर्क जो है वो उसे हैंडल करने पड़ते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के उसको जो है वर्क हैंडल करने पड़ते हैं. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसका वर्क जो है वो एकदम हार्ड होता है, तो उस रीजन के कारण उसके हेल्थ जो है वो एकदम बेस्ट होनी चाहिए एंड प्रॉपर होनी चाहिए. और वो पर्सन टायर्ड हो जाए ऐसा पर्सन होना चाहिए नहीं, फिजिकली एंड नेचुरली ये दोनों ही तरीके से जो है सेक्रेटरी फिट होना चाहिए. तो ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वन इज होनेस्टी. सेक्रेटरी जो है वो होनेस्टी होना चाहिए. किस तरीके से? द सेक्रेटरी इज अ की मैनेजरियल पर्सन, ही नो ईच एंड एवरी मैटर ऑफ द कंपनी. सेक्रेटरी को कंपनी की सारी मैटर पता होनी चाहिए और वो अपनी ड्यूटी के टूवर्ड्स जो है वो होनेस्ट होना चाहिए एंड मोरल होना चाहिए. साथ में दिया गया है और वो कैरेक्टर वाइज भी गुड पर्सन होना चाहिए, उसके हैबिट भी अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेट पर्सन होना चाहिए एंड उसका इंटरेस्ट जो है कंपनी के अंदर जो है कि कंपनी का डेवलपमेंट हो ऐसा उसका इंटरेस्ट कंपनी के अंदर होना चाहिए. तो इस तरीके का सेक्रेटरी होना चाहिए. थर्ड वन इज अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. सेक्रेटरी जो है बहुत सारे अलग अलग हेड पर्सन के साथ काम करता है, जैसे कि शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, पब्लिक, जनरल पब्लिक, इन सब के साथ जो है सेक्रेटरी काम करता है. मोर एवर जैसे कि बैंक के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट या सारे के सारे टॉप लेवल के पर्सन के साथ काम करता है, तो इस रीजन के कारण सेक्रेटरी की पर्सनालिटी एकदम जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए. नाउ फोर्थ वन इज इंटेलिजेंस. सेक्रेटरी माइंडेड पर्सन होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए. कैसे? द सेक्रेटरी हैज टू लुक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. सेक्रेटरी को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो करने पड़ते हैं. बिजनेस अफेयर्स यानी कि बिजनेस के भी बहुत सारे काम जो है उसको करने पड़ते हैं. इकोनॉमिक अफेयर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी एक्ट एलॉन्ग विद द पॉलिसी मैटर्स, इन सब का काम जो है सेक्रेटरी को करना पड़ता है. साथ में इट कैरी आउट ऑल दिस कमिटमेंट, द सेक्रेटरी मस्ट बी हाईली इंटेलिजेंट. इस रीजन के कारण सेक्रेटरी जो है वो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो इजीली कंप्लीट कर सके. नाउ फिफ्थ वन इज डिसीजन पावर. सेक्रेटरी का पावर जो है ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आए कंपनी के अंदर तो उस हर एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर वो बेस्ट डिसीजन ले सके, ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ प्रॉपर एट अ प्रॉपर टाइम फॉर एनी मैटर. डिफिकल्ट होता है प्रॉपर टाइम टाइम डिसीजन लेना, लेकिन सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए कि वो खराब सर्कमस्टेंसेस में भी वो जो है बेस्ट वर्क निकलवा सके और बेस्ट डिसीजन भी ले सके. आगे दिया गया है एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल टू टेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज. जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसके ऊपर बेस्ट डिसीजन लेना, ये स्किल्स सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए. सेक्रेटरी क्विक होना चाहिए, डिसीजन पावर उसका प्रॉपर होना चाहिए, टाइम टू टाइम ले सके ऐसा होना चाहिए. रिसोर्सिस एंड एनर्जी कैन बी सेव. इससे क्या होगा, रिसोर्सिस और एनर्जी को हम सेव कर पाएंगे. तो इस तरीके का सेक्रेटरी होना चाहिए. नाउ सिक्स वन इज एनालिटिकल कैपेसिटी. एनालिटिकल कैपेसिटी यानी कि क्या,
कि वो पर्सन एनालिसिस कर सके या तो फिर कोई भी सिचुएशन उसको हैंडल कर सके, ऐसा पर्सन होना चाहिए। सेक्रेटरी हैज टू प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्रेटरी को कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, एग्रीमेंट्स, ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सब एग्रीमेंट्स, सब कुछ उसे एनालिसिस करना पड़ता है, एग्रीमेंट करे या तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट करे। Whenever any administrative and executive problem occur, he must have the ability to unfold it and take a prudent decision. कोई भी सिचुएशन आए, एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी प्रॉब्लम आए, तो उस प्रॉब्लम को वो इजीली सॉल्व कर सके और केयरफुली जो है उसके ऊपर डिसीजन ले सके, ऐसा पर्सन सेक्रेटरी होना चाहिए। अगर सेक्रेटरी एनालिसिस कर सके ऐसा नहीं है, तो वो पर्सन भी गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो उसके अंदर एनालिसिस कैपेसिटी होनी जरूरी है। 7th one is energy and enthusiasm. Enthusiasm यानी कि उत्साह, उसके अंदर जो है enthusiasm एनर्जी होनी चाहिए, मोटिवेट दूसरे पर्सन को मोटिवेट कर सके ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए। खुद तो सेल्फ मोटिवेटेड हो ही, लेकिन साथ में दूसरे पर्सन को मोटिवेट कर सके ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए, और उसके ऊपर जो भी बर्डन आता है वो बर्डन इजीली हैंडल कर सके, या तो फिर जो है कोई भी तकलीफ आए उसको हंसते हंसते सोल्व कर सके, ऐसा पर्सन सेक्रेटरी होना चाहिए। आगे आपको दिया गया है लॉयलिटी, वफादार होना चाहिए कंपनी के टुवर्ड्स। कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरियल पर्सन, कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरियल फंक्शन है, वो दूसरी किसी भी कंपनी को अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक ना करे, ऐसा सेक्रेटरी लॉयल पर्सन होना चाहिए। सेक्रेटरी अगर लॉयल नहीं होगा तो कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को चली जाएगी, तो इस रीजन के कारण सेक्रेटरी लॉयल होना जरूरी है। 9th one इज कॉन्फिडेंट, सेक्रेटरी के अंदर कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। वॉट एवर द डिसीजन इज टेकन बाय द सेक्रेटरी मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क, ही मस्ट सच हैव कॉन्फिडेंस वॉट एवर वर्क इज डन बाय हिम विल बी ए सक्सेस। अगर कॉन्फिडेंस से वो वर्क करेगा तो बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलेगी, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से वो पर्सन फाइट कर सकेगा, कब, जब सेक्रेटरी कॉन्फिडेंट होगा तब। तो इस रीजन के कारण सेक्रेटरी जो है वो कॉन्फिडेंट पर्सन होना जरूरी है। 10th one इज टैक्टफुल एंड स्मार्टनेस, टैक्टफुल यानी कि क्या, ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लॉ, टैक्टफुल यानी कि सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए कि जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉ के बारे में भी जानता हो, ऐसा पर्सन होना चाहिए सेक्रेटरी, तो उसे कहते हैं टैक्टफुल पर्सन। टैक्टफुल सेक्रेटरी अ टर्न थ्रू आर सिचुएशन इजी, टैक्टफुल पर्सन क्या करता है सिचुएशन को इजी बना देता है, बट स्मार्टनेस पर्सन क्या करता है, अ स्मार्ट सेक्रेटरी हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम एंड व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस। और स्मार्ट पर्सन ऐसा होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो एडवांस में ही जान ले, ऐसा पर्सन सेक्रेटरी होना चाहिए। नाउ 11th one इज अ फोरसाइट, फोरसाइट यानी कि इस पॉइंट के अंदर क्या बताया है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आज की सिचुएशन, और फ्यूचर में कौन सी सिचुएशन आने वाली है, तो फ्यूचर को जान सके ऐसी उसकी स्किल्स होनी चाहिए। द सेक्रेटरी इज अ क्लोजली एसोसिएटेड विद द डे टू डे फंक्शन, वो डे टू डे फंक्शन करता है, साथ में दिया गया है उसी के अंदर ही मस्ट नो दैट अ डिसीजन टेकन बाय हिम ही इज अ प्रेजेंट एंड द कंसीक्वेंस ऑन द फ्यूचर, उसका डिसीजन जो है फ्यूचर में भी हेल्पफुल हो सके ऐसा उसका डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है पेज नंबर 82 पर लीडरशिप, सेक्रेटरी के अंदर बेस्ट लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। सेक्रेटरी इज अ हाई रैंक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही मस्ट हैव द क्वालिटी गेट द वर्क डन अ टाइमली एंड इफेक्टिवली फ्रॉम द अदर ऑफिसर, सेक्रेटरी को ना हो ऐसा होना चाहिए जो अदर ऑफिसर से टाइमली एंड इफिशियंटली जो है वो वर्क निकलवा सके, ऐसा पर्सन सेक्रेटरी होना चाहिए। फॉर दैट अ सेक्रेटरी मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटी, सेक्रेटरी के पास लीडरशिप क्वालिटी भी होना जरूरी है, लाइक कोऑपरेशन एंड एनकरेजमेंट एंड अ कैपेसिटी टू मोटिवेट अदर ऑफिसर्स,
और अदर पर्सन को कवरेज कर सके, एंकरेजमेंट कर सके, मोटिवेट कर सके और खुद भी सेल्फ मोटिवेट हो, ऐसा पर्सन सेक्रेटरी होना जरूरी है। क्लियर टू ऑल? ओके, तो ये थी क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सेक्रेटरी के पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। उसने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। एंड साथ में दिया है मोर ओवर डिग्री ऑफ लो हेल्प प्रिपेयर एग्रीमेंट। अगर उसके पास डिग्री होगी तो वो लो को भी जो है इजीली समझ सकता है और एग्रीमेंट को इजीली प्रिपेयर कर सकेगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, ये सब कुछ लीगल अफेयर्स के बारे में उसको जानकारी मिलेगी जब वो क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड पर्सन होगा। तो उसके पास जो है डिग्री होनी जरूरी है। आगे आपको दिया गया है सेकंड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। उस पर्सन के पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन रखना है ये भी नॉलेज उसके पास होना चाहिए। आगे दिया गया है दे ओनली इट मे बी पॉसिबल टू गेट देम द ऑडिट इन अ टाइम। टाइम टू टाइम कंपनी के अंदर ऑडिट हो ये भी उसको करना पड़ेगा। किसको काम? सेक्रेटरी को। तो ये सारे के सारे फंक्शंस किसके है? सेक्रेटरी के। आगे को दिया है देर आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इट द अकाउंट ऑफ प्रिपेयर इन अ टाइम। सेक्रेटरी कैन सबमिट एनुअल अकाउंट इन अ टाइम टू अ शेयर होल्डर एट द एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्रेटरी एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम में शेयर होल्डर के सामने जो है वो अकाउंट्स कंप्लीट करके उसका एनुअल अकाउंट का स्टेटमेंट रख सके, इस तरीके का सेक्रेटरी होना चाहिए। नाउ थर्ड वर्ड इज द नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्रेटरी जो है एक चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है और उसके पास एबिलिटीज होनी चाहिए नॉलेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क बिटवीन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच जो है वर्क का कोऑर्डिनेशन कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, उस तरीके का सेक्रेटरी होना चाहिए। द कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ ऑफिस। कंपनी सेक्रेटरी को ऑफिस का नॉलेज भी होना जरूरी है। एंड ऑल्सो रिसोल्व प्रॉब्लम अराइजिंग इन डे टू डे ऑफिस फंक्शन। डे टू डे जो भी ऑफिस के अंदर फंक्शन होते हैं और उसमें जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, ऐसा पर्सन सेक्रेटरी होना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज नॉलेज ऑफ मीटिंग। सेक्रेटरी के पास मीटिंग का नॉलेज होना चाहिए। सेक्रेटरी मीटिंग अरेंज कर सके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग, ऐसा पर्सन होना चाहिए। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग, आफ्टर मीटिंग, ये जो है बिफोर मीटिंग भी और नोटिस इश्यू कर सके कि चलो आपकी इतनी बजे इस टाइम पर मीटिंग है, ये भी काम कर सके, ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए। एजेंडा भी प्रिपेयर कर सके, ऐसा होना चाहिए। मेंटेनेंस बुक जो है प्रिपेयर कर सके, ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए। और रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानता हो, कोरम, प्रॉक्सी, वोटिंग राइट्स, ये सारा का सारा नॉलेज उस सेक्रेटरी के पास होना जरूरी है। ये कोरम, मिंटस बुक्स, प्रॉक्सी, एजेंडा ये क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मैं उसको डिटेल में नहीं खींच रहा हूँ। नाउ फिफ्थ वन इज नॉलेज ऑफ एक्ट। एक्ट के बारे में उसे पता होना चाहिए सेक्रेटरी को, कौन से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्टैंप ड्यूटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, लो वेट, लो सर्विस एक्ट, ये सारे का सारा एक्ट का नॉलेज सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। नाउ सिक्स वन इज नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सेक्रेटरी को सोसाइटी में रहकर ही काम करना है, बिजनेस भी जो है वो सोसाइटी के अंदर ही होता है, तो सोसाइटी के अंदर अब क्या क्या चेंजेस होने वाले और क्या क्या नहीं होने वाले ये भी पता होना चाहिए। इट कम्स अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेरियस डिपार्टमेंट के साथ या सेक्शन के साथ जो है कंपनी जुड़ी हुई होती है। और साथ में ये बताया गया है कि फ्यूचर में कौन कौन से इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जो है अफेयर्स आने वाले हैं। सेक्रेटरी को ये भी पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहुंचानी पड़ती है। तो इस तरीके का सेक्रेटरी होना जरूरी है। नाउ सेवंथ वन इज नॉलेज ऑफ द करंट इश्यू।
सेक्रेटरी के पास करंट इश्यू का नॉलेज होना चाहिए, करंट टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने वाली है या कौन कौन सी आने वाली है, फ्यूचर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने वाली या तो फिर आने वाली है। जैसे कि बताया गया है एक एग्जाम्पल, आसाम सॉल्ट इंप्रूव हैज पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑयल। आसाम के ग्रुप ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था एक्सपोर्टिंग ऑफ क्रूड ऑयल के ऊपर, तो ये ऐसा कोई करने वाला है या नहीं करने वाला, ये फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ये सब कुछ सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। नाउ एट वन इज नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सेक्रेटरी जो है अलग अलग बिग कंट्रीज के साथ में जुड़ा हुआ होता है और करेस्पोंडेंस भी उसे करना पड़ता है अलग अलग पार्टीज के साथ, तो उसके पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए फॉरेनर्स के साथ या तो फिर फॉरेन कंपनी के साथ जुड़ा होता कंपनी जो है वो जुड़ी हुई होती है, तो उसके साथ जो करेस्पोंडेंस करना है तो वो इंग्लिश नॉलेज में कर सके, ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए। सेक्रेटरी इंग्लिश लिख सके या तो फिर बोल सके, ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए। नाइंथ वन इज नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशन। सेक्रेटरी के पास पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन करना है उसका भी नॉलेज सेक्रेटरी को होना चाहिए, वेरियस पार्टीज के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसेंशियल टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस एंड अमंग दिस पार्टीज, पार्टीज के साथ रिलेशन मेंटेन रखे, उसको अपने फेवर में रखे, उसे कॉन्फिडेंस दिलाए, विश्वास दिलाए, और इससे क्या होगा कंपनी की प्रेस्टीज और गुडविल जो है वो भी क्या हो सकती है इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरीके का सेक्रेटरी होना चाहिए कि वो पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन रख सके। नाउ टेंथ वन इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सेक्रेटरी को कंप्यूटर का बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर जो है वो मॉडर्न टाइम में हेल्पफुल हो सकता है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जैसे कि शेयर होल्डर की, डिबेंचर होल्डर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्रेडिटर, अदर इन्फॉर्मेशन वो ह्यूज स्केल में हम सेव कर सकते हैं और इससे सेव हो सकता है टाइम, रिसोर्सिस एंड ह्यूमन लेबर का। कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का नॉलेज भी सेक्रेटरी को होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स आज हमने टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ सेक्रेटरी, और ये दोनों ही क्वेश्चंस मोस्ट टाइमिंग क्वेश्चन है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को घर पे रिवाइज करोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।